इंदौर में अनलॉक होते ही शहर में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है। पिछले दिनों इंदौर शहर में लूट, हत्या, डकैती के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए आईजी के निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्र के तमाम हिस्ट्री सीटर गुंडों को पकड़कर जेल में बंद किया जाए। इसी कड़ी में इंदौर आजाद नगर थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी मनीष डावर और उनके स्टाफ ने क्षेत्र की तमाम हिस्ट्री सीटर पर लगाम कसना शुरू की है, जिसमें कुख्यात अपराधी पुलिस की पकड़ में आए, जिसके बाद थाना प्रभारी ने इन्हीं क्षेत्रों में इन अपराधियों का जुलूस निकाला जहां पर यह रंगदारी और गुंडागर्दी कर रहे थे। इंदौर से राकेश सच्चा के साथ बंसन सेन की रिपोर्ट। शहर में पिछले दो तीन दिनों में कुछ बड़ी वारदातें हुई थी, उसी को मद्देनज़र रखते हुए वरिष्ठ अधिकारीगणों के आदेशानुसार थाना क्षेत्र में जो आदतन अपराधी हैं, गुंडे हैं, निगरानी बदमाश हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई हेतु निर्देश प्राप्त किए हुए थे। तो हम लोगों के द्वारा 11 गुंडे बदमाशों और निगरानी शुदा बदमाशों को पकड़ कर थाना लाया गया, जिनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई और उनका जुलूस निकाल कर उनसे अपराध न करने के लिए अपील की गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।